अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर क्लास टीचर मिस नेहा बिलाल। आज हम सोशल स्टडीज़ का पढ़ेंगे। सब बच्चे जल्दी से अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक्स ओपन कर लें। न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 29। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है पेज नंबर 29। आज हम पेज नंबर 29 पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 3, व्हाट वी हैव लर्न। हमने यूनिट नंबर 3 में क्या सीखा है। आई हैव लर्न अबाउट, मैंने क्या सीखा है। हाउसेस, घर देखे हैं हमने यूनिट नंबर 3 में। मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस, और हमने देखा है मटेरियल कौन सा घर बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपको पता है सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, वुड, मेटल, टाइल्स, ये सब चीज़ें किस क्या बनाने में यूज़ होती हैं, घर बनाने में यूज़ होती हैं। थिंग्स वी हैव इन आर हाउसेज, और हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। पुटिंग थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, और हम उनको उनकी प्रॉपर जगह पे कैसे रखते हैं। टेल योर टीचर अबाउट योर हाउस एंड योर फेवरेट थिंग्स, अपने टीचर को बताएँ अपने घर के बारे में एंड योर फेवरेट थिंग्स के बारे में, अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में। We keep things in a house, हम चीज़ों को घर में रखते हैं। Then we all need a place to live in, और फिर हमें जगह चाहिए होती है जहाँ हम रह सकें। Then हमारे पास क्या है, keep everything in its proper place, और हर चीज़ को हमें उसकी proper जगह पर रखना चाहिए। Homes are made of different material, घर हमारे पास मुख्तलिफ material से बनते हैं, जैसे कि sand, cement, metal, bricks, wood, टाइल्स, ये सब चीज़ों से हमारे पास क्या बनता है। ये सब बच्चे देखें, ये हमारे पास घर है एक, ये क्या क्या है इसके अंदर मौजूद है हम देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, विंडो, स्टेयर्स, ये हमारे पास बेडरूम है, ये बेड है, साइड टेबल, मिरर, लैंप, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, ये हमारे पास क्या है, लिविंग रूम, मिरर, सोफ़ास, विंडोज़, हाउस, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कितना प्यारा घर बना। सब बच्चे अपने घर के बारे में बताएंगे और अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बताएंगे अपने टीचर को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।